दोस्तों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आधार कार्ड में बायोमेट्रिक को कैसे लॉक कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको अनलॉक भी कैसे कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं इन्फिनिटी इन्फो। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और उसमें आपके फिंगरप्रिंट और आई रेटिना का जो स्कैन होता है, इसको बायोमेट्रिक डिटेल्स बोला जाता है। अगर आप बैंक से पैसा निकालने जाते हैं आधार कार्ड के ज़रिए किसी भी आधार केंद्र पे या कहीं पे भी, तो आप अपना फिंगरप्रिंट के ज़रिए आप वहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हैं। आपके मोबाइल पे कोई भी ओटीपी नहीं आएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए बहुत से फ्रॉड होने लगे हैं कि आपके बायोमेट्रिक डिटेल्स का क्लोन बना के आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। तो इसी चीज़ को सेफ रखने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप अपना बायोमेट्रिक को लॉक भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको अनलॉक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए आप अपना बायोमेट्रिक को कैसे लॉक कर सकते हैं, उसको कैसे अनलॉक कर सकते हैं, वो भी 2 मिनट में। चलिए फिर चलते हैं मेन स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको सबसे ऊपर यहाँ टाइप करना है UIDAI के, और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है। इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आप कहीं भी टच करेंगे तो आपको यहाँ पे ये लॉगिन का पेज आपको मिल जाएगा। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि आपको यहाँ अपना आधार कार्ड कैसे लॉक करना है, उसका बायोमेट्रिक और कैसे अनलॉक करना है। हम आपको इसमें दोनों प्रोसेस आपको समझाने वाले हैं। तो देखते हैं, नीचे आपको ये बहुत सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो रही हैं। जैसे ये लॉक अनलॉक ये आपको दिख रहा है, VID जनरेटर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, फिर इसका आगे का प्रोसेस करते हैं। तो लॉगिन करने के लिए, जैसा कि आपको पता ही है कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करना है और उसके बाद आपको इसमें अपना कैप्चा फिल करना है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करके दिखा देता हूँ और इसके बाद आपको अपना कैप्चा इसमें फिल कर देता हूँ और सेंड OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, मेरे पास OTP मेरे को आ गया है। चलिए मैं इसमें अपना OTP भी फिल कर देता हूँ। उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको। तो देखिए, मेरा ये आधार कार्ड सक्सेसफुली UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लॉगिन हो गया है। तो अगर आपको ये देखिए, मेरा ये आधार कार्ड मेरे को यहाँ शो हो रहा है। तो चलिए नीचे सर्विसेज में चलते हैं और ये ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएंगे आप तो ये जनरेट वर्चुअल आईडी के नीचे आपको लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है आपको। और उसके बाद ये आपको दिखा रहा है कि जैसे जैसे आप इसको लॉक करेंगे तो आपका क्या क्या लॉक हो जाएगा और क्या एक्टिवेट रहेगा। तो आपका बस OTP पिन एक्टिवेट रहेगा, बाकी सब कुछ आपका ऑफ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे टिक करके इसको नेक्स्ट करेंगे और देखिए, ये मेरा बायोमेट्रिक हैव बीन लॉक्ड सक्सेसफुली। तो ये मेरा सक्सेसफुली लॉक हो गया है। बस छोटा सा प्रोसेस था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, मैं आपको वापस डैशबोर्ड में आके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेरा लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक यहाँ पे आप ये रेड कलर का ताला बना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपना इसको लॉग आउट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि आप इसको अगर आप अनलॉक करना चाहें तो आप इसको कैसे अनलॉक करेंगे। तो फिर से हम इसमें अपना लॉगिन करते हैं, अपना आधार कार्ड नंबर इसमें फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे अपना कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं है अपना लॉक बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक करना। आप इसको खुद से भी कर सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस है। देखिए, यहाँ मैंने इसको लॉगिन कर लिया। देखिए, ये मेरा फिर से लॉगिन हो गया है और यहाँ देखिए, ये लॉक अनलॉक अभी बायोमेट्रिक के आ गया, अभी मेरा ये लॉक है। अब मैं आपको इसमें अपना अनलॉक करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये क्या क्या लॉक है और OTP बस केवल अनलॉक है मेरा। अब मैं इसको सारा अनलॉक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे टेम्परेरी या परमानेंट जो भी आपको करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर आपको टेम्परेरी करना है तो ऊपर वाले पे करिए और परमानेंट अनलॉक करना है तो नीचे वाले पे क्लिक कीजिए। तो मेरे को परमानेंट अनलॉक करना है तो मैं यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए, योर बायोमेट्रिक हैव बीन अनलॉक सक्सेसफुली। तो
मेरा ये अनलॉक हो गया है। तो बस यही एक सिंपल सा इसका प्रोसेस था। अब मैं यहाँ से इसको अपनी आईडी को लॉग आउट कर देता हूँ। कुछ भी समझ में ना आए तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार देते रहिए।